वचन को मैंने कहा था मैं पहले के दोबारा सुना और सुनते रहे। जब भी श्रीराम लाल झंडी देना आपको बीमार कर दे, पैसे की कमी दे, तुम्हें घर में बैठाए, तो इस वचन को दोबारा सुनो। संडे आए बोल गए प्रॉब्लम थी तब भी, पर जो वचन उसने दिया उसको सुनना शुरू किया बार बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन जीवित है और धुआंधारी तलवार से तीखा, प्राण गांव बुद्धि और मन की भावनाओं को, विचारों को, बार बार शेदा और हालातों को खत्म। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम हरजीत है और जो गैरी गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि एक महीना हो गया था इनको खांसी की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही थी इन्हें, और जे बता रही कि जब भी जे मेडिसिन ले रहे थे तो इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और खांसी के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा उस समय फीवर भी हो जाता था, और जब भी फीवर होता तो इन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो जाती, ठंड लगती थी इतनी ज़्यादा कि जे बता रहे कि बहुत परेशान हो चुके थे। जे मेडिसिन भी खा रहे थे, मेडिसिन से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जे बता रहे फिर इन्होंने 10 इंजेक्शन भी लगवा ले, उससे भी इनका खांसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा जे बता रहे बलगम रेशा आ रहा था इन्हें, और जे बता रहे कि सांस भी नहीं इनसे ले पा रहे थे, सांस लेने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी, और जिसके कारण डॉक्टर भी इन्हें बता रहे थे कि इतनी मेडिसिन और जहाँ तक कि इतने इंजेक्शन भी लगा दे फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जिसके कारण जे बता रहे कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जे घर के काम काज करने में भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और जे बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, टीम के साथ जब इन्होंने बात की तो टीम ने इनको उत्साहित किया कि अगर आप संडे की मीटिंग में नहीं आ पा रहे प्रॉब्लम के कारण तो फिर आप पर्सनल मीटिंग में आए और परमेश्वर के दास के साथ आप मीटिंग करें, निश्चय परमेश्वर आपको हील करेंगे। तो जो बता रहे कि जो प्रॉब्लम के कारण किसी जो भी इनके आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जिसके कारण फिर जो पर्सनल मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाए, तो जो बता रहे कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई, जो और भी ज़्यादा परेशान हो गए, और जो और भी मेडिसिन खा रहे थे पर मेडिसिन से कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा था, और जैसे फिर से इन्होंने कॉल की, टीम के साथ बात की, तो टीम ने इनको टीच किया कि इसलिए आपको मीटिंग में बुलाया गया था, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप विश्वास करें, फिर लगातार आप मीटिंग को देखें, जो मीटिंग्स आपसे मिस हो गई हैं आप उन्हें सुने, तो निश्चय परमेश्वर आपको फ्री करेंगे। और जैसे जो उन मीटिंग को देख रहे थे पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इनका विश्वास भी नहीं बन रहा था, और जैसे फिर जे सिस्टर जैसे पिछले संडे की मीटिंग में जे जब मीटिंग में आए तो उस समय भी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इन्हें खांसी आ रही थी, फीवर की प्रॉब्लम थी, तो जे बता रहे कि जैसे उस दिन परमेश्वर की इतनी ज़्यादा ग्रेस थी, जैसे ही मास प्रेयर हो रही थी, जब परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर हुई, मास प्रेयर, तो इस समय इन्होंने अपना मन परमेश्वर के साथ लगाया, तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने इन्हें उस दिन ही ग्रेस के द्वारा ही परमेश्वर ने इनको शुआ और इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। पर जब जे सिस्टर अपने घर गए तो जे बता रहे कि नेक्स्ट अगले दिन फिर से इनको वो प्रॉब्लम शुरू हो गई, और जे बता रहे कि फिर इन्हें याद आया कि परमेश्वर के दास ने हमें टीच किया था, वचन से बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कुछ भी हालात हो, तो आपने जो इस संडे की मीटिंग है जो आपके लिए बहुत खास है, और आपने जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आपने इस मीटिंग को सुनना है। तो जो बता रहे फिर इन्होंने इस मीटिंग को सुना, हम उस समय के वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। इस वचन को मैंने कहा था मैं पहले के दोबारा सुनना और सुनते रहना। जब भी शैतान लाल झंडी देना आपको बीमार कर दे, पैसे की कमी दे, तुम्हें घर में बैठाए, तो इस वचन को दोबारा सुनना। खाली घर को देखकर वो आती हैं भाई, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। और जैसे जब बता रहे कि इन्होंने फिर लगातार
पूरे हफ्ते में जब बता रहे कि वचन को लगातार सुना, तो जब बता रहे कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन्हें बार बार हो रही थी, जब बता रहे परमेश्वर ने उस वचन को सुनने के दौरान ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया, और जब बता रहे कि आज सिस्टर पूरी तरह से जो एक महीने से इनको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बलगम आ रही थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी खांसी के कारण, बहुत ज़्यादा जब बता रहे फीवर हो जाता था, सर्दी ठंड लगती थी, और जब बता रहे परमेश्वर ने इन्हें इस प्रॉब्लम से उस दिन से वचन को सुनने से ही पूरी तरह से आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। सुनो सुनो सुनो, ये कितना टाइम नहीं आई चर्च, कितना टाइम नहीं आई, नहीं आप बता दो, कोई बात नहीं, जाओने माइक तो, हाँ कितने हफ्ते नहीं आए? ए पापा जी यही भी 9 वीक आए गया, एक महीना नहीं आए ना, देख लो बोलो क्या है, एक महीना आए नहीं। इसीलिए इसने क्यों ये कहा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी से निकल जाती है तो खाली उस घर को सज्जिया सुवारा पाती है, तो फिर औरों को बोलो क्या, वो लेकर वो आती है और उसकी हालत उससे भी क्या कर देती है, खराब कर देती है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तुम हल्के में लोगे ना तो फिर फंसाएगा कौन, इसलिए याद रखना। देखो कितनी तकलीफ में थी ये, कितना टाइम ये हालात आपके ऊपर रहा? पापा जी एक महीना पूरा। एक महीना पूरा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर भी कोई चेंज किया होगा? डॉक्टर बड़े चेंज किए हैं। अच्छा, डॉक्टर भी बड़े चेंज कर लिए, हाँ जी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं। आपको सांस लेने भी तकलीफ आ रही थी? बहुत ज्यादा, मतलब लंबे भी नहीं पे आ जांदा हुंदा, मतलब ऐसे पूरा दिन आप खांसी, रात को समय भी खांसी, हाँ जी। इतनी हालत ज्यादा खराब हो गई और इन्फेक्शन के कारण बलगम रेशा पूरी तरह बुरा हाल हो गया ना, और मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही। अब सुनो ध्यान से, मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी किसकी देन है, बुरी नहीं है भाई, पर जहां पे मेडिकल साइंस भी काम ना करे तो फिर बंदा क्या करे, बताओ मुझे, हाँ फिर इंसान क्या करे। धन्यवाद है उस परमेश्वर का के जो ऐसी बातें मुझे देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर आप इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो तो खुदावन आपको वही बातें देगा जो आपकी जरूरत के हिसाब से है, अलग चीजें नहीं देगा। हर अगुए को परमेश्वर अपने लोगों के हिसाब से इस्तेमाल करता है, अगर आप आत्मिक हो तो फिर समझ आओगे। परमेश्वर जानता है ना यहां पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, जैसे एक मां जानती है जब बच्चा बोलता भी नहीं है तो उसे समझ आती है इसे भूख लगी है, इसने सुसु कर दिया है, इसने पोटी कर दी है, इसे क्या हुआ है, वो ऐसे समझ आती है। उसी तरह से वो परमेश्वर भी जानता है आपके लिए, आमीन, समझते हो? इसीलिए खुदा ने वो वर्ड दिया पिछले संडे कि हम चर्च क्यों आते हैं और चर्च आने से क्या होता है। बोलो क्या, हम चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि ये किसकी आज्ञा है ना, पुराने नियम की ये आज्ञा है कि शीत दिन तुम क्या करो, अपनी भाती भाती के काम करना, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने भी शीत दिन में सारा कुछ बनाया और सातवें दिन उसने विश्राम किया और सातवें दिन को आशीष दी। बोलो क्या नहीं है, इसलिए प्रेरित पॉल ने बोलो क्या है रोम की कलीसिया को उसकी 6:1 में लिखा, कहा कि ये नहीं कि अनुग्रह हो गया, कृपा हो गई, तुम पाप करते रहो, हाँ? क्योंकि उस समय की व्यवस्था की क्या आज्ञा थी, हमने पढ़ी ना गिनती में, उस दिन वचन पढ़ा कि एक लकड़ा लकड़े भीनता हुआ, मतलब लकड़ा नो इकट्ठा करता, एक आदमी मिला तो कुछ लोग उसे पकड़ के मूसा के पास ले आए। बोलो क्या, मूसा के पास हवालात में रखा, मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर क्या करें, तो परमेश्वर की ओर से उत्तर आया से पत्थरों से मार दो। तो आज तो नहीं है,
आज ऐसा नियम है कि संडे ना आए तो ऐसा नियम है, ऐसा नहीं है ना आज, पर ये नियम है कि समय समय क्या रहो, तैयार रहो, क्या रहो, समय समय तैयार रहो। और जैसे ही इन्होंने वचन को पूरा किया, संडे आए, बोलो क्या है? प्रॉब्लम थी तब भी, पर जो वचन उस दिन दिया उसको सुनना शुरू किया बार बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन, बोलो क्या है ना, मेरा वचन जीवत है और धुआंधारी तलवार से तीखा, प्राण गात गुत्ते और मन की भावनाओं को, विचारों को वो आर पार छेदता है और हालातों को खत्म करता है। जैसे इन्होंने प्रैक्टिकल किया, कर्म किया ना प्रैक्टिकल करके, और देख लो एक महीने से जो बंदा परेशान था, ना सोया जा रहा था, ना खाया पिया, खाने पीने भी मुश्किल आ रही होगी ना, हाँ देखो कितनी प्रॉब्लम थी, ना दिन को चैन ना रात को चैन, क्यों जी ऐसे ही था ना, ना दिन को चैन ना रात को ना। खुदा के पास आए वचन को, उस दिन वचन भी ऐसा ही था, और मन फिर आया, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था मन फिराओ ना, जैसे ही फिर आया विश्वास किया और वचन को बाहर जाके सुना, बोलो क्या, बार बार सुना, सुनने से ही आज पूरी तरह, अभी तो नहीं है कुछ, नहीं पापा जी, जरा से भी कोई खांसी आती है ना, कुछ नहीं है, पूरी तरह से फ्री हो ना, ये है खुदावंत के वचन की ताकत। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से तारीफ करो, अपने हाथों को उठाकर, मेरी बना है।